मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास साइंस कॉमर्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम घर की याद पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का थोड़ा सा हम परिचय देखते हैं। जन्म सन 1913, टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत भरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम, तुम आते हो और इदम नमम आदि। आपके प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान प्राप्त हुआ है। दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से ये अलंकृत हैं। मृत्यु सन 1985। अब आपके बारे में, जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय हम जान लेते हैं। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाग्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इनकी सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से जुड़ता है, इसलिए इन्हें गांधी की कविता भी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से चलते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग बन जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। इन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं। उसमें उद्धाम श्रृंगारिकता की बजाय सजीवता के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर में कवियों ने मिश्र जी के यहाँ व्यंग औक्षोप भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण इन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सताती है। कवि के स्मृति संसार में उनके परिवार एक एक कर शामिल होते जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता का केंद्रीय संवेदन है। घर की याद, जब कवि कहाँ है, जेल में है और उन्हें घर की याद आती है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। जब बारिश हो रही है तो कवि को उनके घर की याद आ रही है कि आज बारिश हो रही है और आज बहुत ज्यादा पानी बरसा है, गिरा है, और रात भर ही ये पानी चलता रहा, और उनका जो प्राण है वो मन है वो भी गिरता रहा। किस चीज में? अपने घर की याद में। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझ में दूर है जो, घर खुशी का पूर्ण है जो। अब उनके घर में उनकी बहनें हैं, उनके भाई हैं, उनके माता पिता हैं, सभी घर में हैं। बहुत पानी गिर रहा, बारिश बहुत हो रही है और उनकी आंखों में, नजरों में पानी तिर रहा है, जैसे उनकी नजर में घर तैर रहा हो, आंखों में इतना पानी है। घर की मुझ में दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, और घर में जो खुशी है वो भरपूर है और घर उनकी नजर से बहुत दूर है। घर में चार भाई, मायके से बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब वो बहने किसके घर आ रही है? घर की, घर में चार भाई, और उनके घर में कितने भाई बता रखे हैं यहाँ पर, चार भाई हैं उनके। मायके में बहन आई और उनके जो घर में उनकी बहन आई हुई है, बहन आई बाप के घर,
और उनके पिता के घर मतलब उनके खुद के घर में उनकी बहन आई हुई है हाय रे परिताप के घर, और उनको क्या लग रहा है कि वो परिताप है, यानी उनको खुद को अपने ऊपर दुख हो रहा है, रोष प्रकट कर रहे हैं। घर की सब में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहने भुजा भाई प्यार बहने, क्योंकि भाई बहनों का सहारा होता है और बहन भाई का सशक्त जैसे एक अधिक विश्वास रहता है, वो विश्वास रहता है। तो घर के घर में सब जुड़े हैं और सभी घर में हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं और सब आपस में इतने मिलनसार हैं, चार भाई हैं चार बहने हैं, और जिस तरीके से भुजा भाई हैं तो प्यार उनकी बहने मानी गई हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी दुख में वह घड़ी, मेरी माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और माँ बिन पड़ी, उनकी माँ अनपढ़ है, बिन पड़ी है और वो दुख में गड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें कवि की ही याद सता रही है कि सारे बच्चे उनकी आंख के सामने हैं, एक भी बच्चा उनकी नजर से दूर न जाए, लेकिन जो कवि है वो जेल में है और उन सब चीजों को वो याद कर रहे हैं। और माँ की जब गोद में उन्होंने सिर रखा तो रख लिया तो दुख नहीं। हम कहीं से भी घूम के आते हैं, अगर मम्मी हमको घर में दिख जाती है या फिर हम उनका स्पर्श प्राप्त कर लेते हैं तो हमें फिर किसी भी आनंद की जरूरत नहीं होती है अगर माँ हमको घर में दिखे। तो उसी तरीके से कवि कह रहे हैं कि माँ जिनकी गोद में अगर सिर रख लिया तो फिर कोई दुख नहीं होता। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब माँ क्योंकि अनपढ़ है उनकी, तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो प्रेम की धाराएं हैं, स्नेह धारा है, यहाँ तक भी पसारा मतलब मैं उस प्रेम को यहाँ तक भी मन ही मन में अपने अंतर मन में उसको स्पर्श कर रहा हूँ, उसे लिखना नहीं आता। माँ अनपढ़ है तो उन्हें लिखना नहीं आता जो भी उनका पत्र पाता, और जैसा भी पत्र उनको मिलता है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए जो कभी भी खिलखिलाए। और पिता के बारे में क्या कह रहे हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा, और जो पिता उनके हैं वो वृद्ध हैं बूढ़े हैं, एक क्षण भी न व्यापा, वो किस तरीके से रहते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा सशक्त बना के रखते हैं, एक्टिव है बहुत, कि एक क्षण भी उन्हें बुढ़ापा व्यापा नहीं है, मतलब वो अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते, जो अभी भी दौड़ जाए, और वो हर मौसम में किसी भी मौसम में दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं और अभी भी खिलखिलाएं और सब पूरे परिवार के साथ बैठकर हंसी खुशी से बातें करना। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। और कभी मृत्यु भी अगर आ जाए तो वो उसके सामने भी हिचकते नहीं है, और शेर के जैसा उनका कलेजा है जो बिचकते नहीं है, और जब बोलते हैं तो जैसे कोई बादल की गर्जना हो रही हो, और उनकी काम में बहुत झंझट झंझा लरजता मतलब जैसे बहुत ज्यादा सतर्कता से वो अपना कार्य पूर्ण करते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुद्गल हिलाकर मुठ उनकी मिला लेकर, आज गीता का पाठ करके, और सुबह सुबह जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो आपके घरों में भी देखा होगा आपने, गीता या फिर कुरान बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते होंगे, और दंड 200 उठक बैठक करते हैं ना, वो उठक बैठक को लगा रहे हैं खूब मुद्गल हिलाकर, और जो हाथ में लेकर मुद्गल हिलाते हैं वो, और उनकी मुठ मिलाकर मतलब दोनों मुट्ठियों को बांध कर, और जो एक्सरसाइज सुबह सुबह की जाती है उसके बारे में कवि यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, आगे का वीडियो में आपको आगे पढ़ाऊंगी, इतना आप एक बार और रिपीट कीजिए, उसको याद कीजिए। ओके।